फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड डीआईवाई रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 10 बहुत ही बेस्ट किचन टिप्स जो आपके किचन में काम करते टाइम या डेली लाइफ में आपके बहुत काम आ सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ किचन टिप्स शेयर करती रहती हूं और इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास आती रहती है, तो अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप सारी टिप्स की वीडियोस देख सकते हैं। वो बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं, आपके बहुत काम आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली टिप है, जब आप आलू उबालते हैं तो उसे बीच में से हल्का सा काट लें। सभी आलुओं पर हल्का सा कट लगा दें और फिर उन आलुओं को उबालेंगे तो आलू उबलने के बाद उन्हें छीलने में आसानी होती है और वो आसानी से छिल जाते हैं, उनका छिलका आसानी से उतर जाएगा। दूसरी टिप है, टमाटर को फ्रिज में रखने से पहले उसे गुनगुने पानी में डुबो कर रखें। थोड़ी देर बाद उन्हें निकालें, पोंछें और फ्रिज में रख दें। इससे क्या होगा, जो टमाटरों का रंग है वो एकदम बरकरार रहेगा, वो बिल्कुल भी सड़ेंगे नहीं और पीले नहीं पड़ेंगे, उनका जो नेचुरल कलर है वो वैसा ही बना रहेगा। तीसरी टिप है, जब आप भटूरा बनाते हैं तो अगर भटूरा बनाने के लिए मैदा कम हो जाए तो आधे घंटे तक सूजी को पानी में भिगोएं और उसे मैदे में मिलाकर इस्तेमाल करें। चौथी टिप है, कुकर में दाल पकाने के टाइम कई बार हम ज्यादा पानी डाल देते हैं जिस कारण दाल बाहर आ जाती है। ऐसे में दाल में एक चम्मच तेल या घी डाल दें, उससे क्या होगा, दाल आपकी बाहर नहीं आएगी और आपका जो गैस स्टोव है वो खराब नहीं होगा। पांचवी टिप है, फूल गोभी की सब्जी बनाते समय गोभी खिली खिली बने, इसके लिए आप गोभी बनाते समय उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, 1 या 2 टेबल स्पून दूध डाल दें, इससे उसका रंग भी बरकरार रहेगा और जो गोभी है वो खिली खिली बनेगी। छठी टिप है, पूड़ियों को अधिक कुरकुरी और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें आप अरबी मैश करके मिलाएं, जो आप पूड़ी का आटा गूंथते हैं उसमें अरबी को उबाल कर उसे मैश करके मिला दें, उससे क्या होगा, जो आपकी पूड़ियां हैं वो बहुत कुरकुरी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगी। सातवीं टिप है, मिक्स वेज बनाते समय सब्जी उबालने के बाद जो पानी बचता है उसे आप सूप या फिर दाल पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवीं टिप है, भरवा मसाले का स्वाद बढ़ाने के लिए मसाला तैयार करते समय उसमें 2 चम्मच चीनी का बूरा मिला दें, इससे मसाले का जो खट्टा स्वाद है वो मीठे के साथ बैलेंस हो जाएगा और जो सब्जी है वो बहुत ज्यादा खट्टी नहीं लगेगी। नौवीं टिप है, अगर भरवा सब्जी का आनंद बार बार लेना चाहते हैं तो मसाले को तैयार करके उसे एयरटाइट डिब्बे में डालें और उसे फ्रिज में रख दें। ये मसाला 7 दिन तक यूज कर सकते हैं और उससे आप भरवा सब्जी बना सकते हैं। लास्ट टिप है, दही जमाते वक्त उसमें चुटकी भर चीनी डाल दें, इससे दही और रायता खट्टा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाने 10 ऐसे बेस्ट टिप्स जो आपके किचन में काम करते टाइम आपको बहुत काम आएंगे। कभी कभी हमसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उस टाइम ये टिप्स काम आते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये टिप्स पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलती हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।